देखा जाए तो भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है। खासकर हम बात करें मोतिहारी जिला की, तो भाजपा के शीर्ष के नेता, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री श्री राधा मोहन सिंह के ऊपर भाजपा के नेता के द्वारा ही कई तरह के आरोप लगते रहते हैं। विधान परिषद का चुनाव हो तब, जिला परिषद का चुनाव हो तब, उनके ऊपर यह आरोप लगता है कि वह कथित भाजपा के प्रत्याशी को समर्थन न देकर गैर पार्टियों को समर्थित करते हैं और अपनी प्रत्याशी भी खड़ा करते हैं। हालांकि अभी नगर निकाय के चुनाव की तिथि घोषणा तय हो चुकी है और फिर से कथित भीष्म पितामह के नाम से चर्चित राधा मोहन सिंह के ऊपर फिर से आरोप लगना शुरू हो गया है। हम आपके सामने एक ऐसी रिपोर्ट लेकर आए हैं जिसे सुनने के बाद आपकी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नगर निकाय के चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रत्याशियों की गहमा गहमी शुरू हो गई है। वहीं पार्टी स्तर पर चुनाव न होने के बावजूद पार्टियों की सक्रियता विशेष पर भाजपा के एक शीर्ष नेता द्वारा बैठक कर मेयर, उपमेयर, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद के रूप में अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने के विवाद अस्पताल बिहिप का जबरदस्त विरोध भी होना शुरू हो गया है। ढाका के भाजपा विधायक पवन जायसवाल ने भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह के विरोध का बिगुल फूंकते हुए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से चंपारण में स्वयंभू तरीके से हो रहे मनमानी में हस्तक्षेप की मांग की है। सनद रहे कि राधामोहन सिंह ने एक बैठक के बाद प्रकाश अस्थाना को मेयर एवं लालबाबू प्रसाद गुप्ता को उप मेयर के रूप में नामों की घोषणा करते हुए इन्हीं को वोट देने की पार्टी विहिप जारी कर दिया। यही नहीं, श्री सिंह ने दोनों प्रत्याशियों के फोटो को फेसबुक पर डालकर वोट का मांग कर डाली। इधर इस घटना के बाद पवन जायसवाल के अलावा भी पार्टी के भीतर ही विरोध के सुर उठने लगे। मेयर या उप मेयर के रूप में अपने आप को भाजपा के ओर से सशक्त दावेदार के रूप में मानने वाले डॉक्टर हिना चंद्रा, मोहिबुल हक, भोला गुप्ता और रवि श्रीवास्तव के बीच भी विरोध के सुर चरम पर है। इसमें कईयों के समर्थक लगातार चुनाव लड़ने के लिए उन पर दबाव बना रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी के विवाद अस्पताल विहिप विरुद्ध भी कुछ प्रत्याशी पार्टी के कथित प्रत्याशी के विरुद्ध मैदान में उतर सकते हैं। बागियों में सबसे संभावित नाम अगर कोई है तो वह है डॉक्टर हिना चंद्रा का, लेकिन अगर वह मैदान में नहीं आए वह अभी भीतर ही घात का कार्य कर सकते हैं। ऐसे में राधा मोहन सिंह एवं उनके समर्थित प्रत्याशी को भारी फजीहत झेलनी पड़ सकती है। बागियों की माने तो राधा मोहन सिंह शुरू से ही पार्टी विरुद्ध गतिविधियों में संलग्न रहे हैं। राधा मोहन सिंह पर आरोप है कि वे जहां तक एक तरफा विधान परिषद के चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी बबलू गुप्ता का विरोध कर रहे हैं, महेश्वर सिंह को समर्थन करवाए, वहीं जिला परिषद चुनाव में ढाका विधायक पवन जायसवाल की पत्नी का विरोध कर कांग्रेस ममता राय को समर्थन देने और जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। बाकी आप शाह न्यूज देख रहे थे। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि इस कथनी पे अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद आप सभी मित्रों का। जय हिंद।